मेरठ में मुख्यमंत्री के आदेशों को जिला प्रशासन पलीता लगातार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि लॉकडाउन के समय पर कोई भी जिले में भूखा ना सोए, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कसी और मेरठ कैंट के अतिथि भवन में जिला प्रशासन की तरफ से अपनी रसोई बनाई गई, जहां से 5,000 लोगों के लिए लगातार खाना बनाया जा रहा था। लेकिन आज जिला प्रशासन के इस दावे की भी पोल खुल गई, जब हमारी टीम ने मेरठ कैंट के तोप खाना में जाकर रियलिटी चेक की तो नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं, जब तक लॉकडाउन प्रदेश में लगातार है तब तक कोई भी जिले में भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। लेकिन जिला प्रशासन ने व्यवस्था तो बनाई, लेकिन यह व्यवस्था हमारे रियलिटी चेक में फेल नजर आई। हमारे चैनल इंडियन क्राइम न्यूज की टीम जब मेरठ कैंट के तोपखाना में पहुंची तो वहां 50 से ज्यादा परिवारों को जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही। जब हमने बात की तो उनका दर्द छलक कर हमारे सामने आ गया। उन्होंने अपने बर्तन दिखाए जो बिल्कुल खाली थे, अन्न का एक भी दाना उनको एक हफ्ते से नहीं मिला। यह लोग भूखे प्यासे ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमारे रियलिटी चेक की भनक पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को लग गई तो मौके पर SDM सुनीता सिंह पहुंच गई और उन्होंने सभी बातों को सिरे से नकार दिया और सब बातें झूठ बताई। लेकिन लोगों का कहना है कि उनको मदद ही नहीं मिल रही। अब जब जिला प्रशासन की रसोई से 5,000 लोगों के लिए जो खाना बन रहा है तो आखिर वह कहां बांटा जा रहा है? जिला प्रशासन के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और अपने आप को बचाते भी नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के आदेशों को जिला प्रशासन जहां दरकिनार कर रहा है तो आखिर क्या वजह है जो अभी भी लोग भूखा सोने को मजबूर हैं? अब या तो आने वाला समय ही बताएगा कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री क्या कार्यवाही करते हैं। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। एक बोरा खले निकाल देकर और आपका कब से खाना नहीं आ रहा आप लोगों के पास? प्रशासन की मदद करना नहीं कर रहा आप लोग? नहीं जी, कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं। तो फिर कैसे चल रहा है गुजर बसर, कैसे चल रही है जिंदगी? क्या करें जी, 15 दिन हो गए लॉकडाउन को, तो कैसे कुछ नहीं हो पा रहा? ये जो बाहर के आगे बाहर जाते हैं वही लोग दे रहे हैं। भैया प्रशासन की तरफ से तो तुम्हें भी नहीं मिलना ना खाना? ना। क्या नाम आपका? मेरा विक्रम सिंह नाम। विक्रम सिंह जी, प्रशासन की तरफ से कोई मदद हो रही है हम लोगों की? प्रशासन की तरफ से तो कुछ नहीं हो रही है, वैसे हो रही है जैसे हमारे जैसे सभासद हैं यहाँ के। अच्छा। वो बांट रहे हैं जैसे जो भी बांट दे, और भी हैं बेचारे गाड़ी डॉक्टर साहब आते हैं। तो प्रशासन में कोई आदमी आप सभी आके पूछा नहीं है कैंट बोर्ड के, कोई DM के यहाँ से कोई आया हो क्या? नहीं, आपने कोई कहा भी नहीं? हमने कहा ही नहीं, एक बार फोन किया था लेकिन कोई आने को राजी नहीं हुए। किसे फोन किया था आपने? एक लड़के ने करवाया था, मैंने मेरे पास तो फोन नहीं करवाया था। जी क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी किसे फोन किया था आपने? प्रशासन वाले नंबर पर फोन कराया था? हाँ, प्रशासन का नंबर था उसके पास। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आ जाएगा, अभी तक तो आया नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं आया? नहीं, मेरी एक माँ है, वो बेचारी 60-70 साल की भूखी पड़ी रहती है। अच्छा, आपने कब फोन करवाया था? अभी हो गए 5-6 दिन हो गए। जब कोई आए तो नहीं आए थे? कोई भी नहीं आता है। अच्छा, कितने दिन से जो कि उसका इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं हो गए? ये तो जब से लॉकडाउन हुआ जब से ही झेल। अच्छा, 15 दिन से ही आप लोग परेशान हैं? हाँ जी। प्रशासन की तरफ से कोई मदद हो रही है? तुम्हारी नहीं हो रही है? हमें तो कोई ना दे रही है सरकार, बस यही चावल पावल बटे हैं वो देना, वो भी फिर क्या चारों तरफ यहाँ तो बस बैठ के गई। जब तो हम लोग जो मंगवाते थे उधर से भैया वही हम ले आते कहीं ना कहीं से बटवाते। चलो मैं सबसे बात कर लूँ। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ कंट्रोल रेट के राशन की व्यवस्था की जाए, जिससे सब पब्लिक राशन ले ले, अपने गरीब आदमी खा लेते हैं। इनको सैचुरेट करवाते रहूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे संज्ञान में नहीं था, कभी इनके द्वारा शासन प्रशासन को बताया नहीं गया था। मैं इसी रास्ते रोज आती हूँ, प्रतिदिन आती हूँ। यहाँ की पब्लिक से आप बात कर लीजिए, कोई ऐसा डे नहीं होगा जिस डे को हमारी गाड़ी इधर से नहीं जाती है। मैम एक बार वो नंबर बता दीजिए जो लोगों को आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, लिखिए 94-44-66-88-94-54-44-66-88। थैंक यू।